घर में खाने पे काली मिर्च की कढ़ाई बनी है, और मैं वैसे तो डाइट पे हूँ, पर मैंने कहा कि आज मैंने रोटी खानी ही खानी है, तो आज मेरी बनेगी, मैंने नहीं छोड़ना इसे। बड़ी यम्मी लग रही है और खुशबू का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और सुबह के 10 बजे और मैं यहाँ अपनी अब चाय पीने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर लूँ, एक हाथ से शूट और एक से चाय। सर अल्लाह ही खैर करे, गिरा दी मैंने। हाँ जी, तो ये मैं पाउडर मिल्क यूज़ करती हूँ इसमें, और क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करती। मज़ा बिल्कुल नहीं आता चाय पीने का, पर मजबूरी है। चाय मैं पी चुकी हूँ और अब मैं दही खाने लगी हूँ। वैसे तो ये मुझे चाय से पहले खाना था, पर आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ तो पहले बस चाय बना ली, अब ये मैं खाऊँगी। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट में पोरेज खाती हूँ, पर आज क्योंकि मुझे देर हो गई और मैं चाय भी पी चुकी हूँ पहले ही, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये दही, इससे काम चलाते हैं आज, तो मैं इसको फेंट देती हूँ पहले। चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ इसलिए मैंने चाय में चीनी बंद कर दी है, लेकिन इसमें मुझसे बिना चीनी नहीं खाई जाती है, तो मैं ये हाफ टी स्पून के करीब इसमें चीनी बस फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल के देन मैं खाने लगा। चलिए मैं अब इसको खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं क्या करना है आगे। दोपहर हो गई है और मुझे भूख लग रही थी, तो सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा, ना आपको कोई नुकसान दे है और ना आपका वेट होगा खराब, मतलब मैं डाइट पे हूँ तो दैट्स व्हाई, और साथ में ये यम 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 यम्मी। तो चलें अब मैं इनकी कटिंग करती हूँ। मेरा लंच रेडी हो चुका है, अब मैं इसको खाऊंगी। मसारा का थंबनेल एडिटिंग कुछ इस तरह होता है, और इधर बराबर में मारिया मेरे साथ बैठी रहती हैं पूरा इंट्रो देने के लिए, और ये मैं हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।